देखिए एक क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 2, 5, 6, 7 और x का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल मिलेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है दी गई संख्या कितनी है, लिख लीजिए कितना है, 2 है तो 2 लिख लीजिए, फिर कामा 5 है तो 5 कर लीजिए, फिर कामा 6 है तो 6 कर लीजिए, जितनी संख्या दी गई है उतना है, 7 है तो 7 कर लीजिए, और कितना दिया गया है, 1 x दिया गया है, यानी कि हमारे पास कितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये दी गई है। तो कुल संख्या कितना हुआ जोड़ने पर, लिख लीजिए कुल संख्या, यहां लिखेंगे कुल संख्या कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल संख्या हमारे पास कितना है 5 है, यह चीज आप याद रखेंगे। अब हम निकालेंगे माध्य बराबर, ऐसे लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, तो दी गई कुल संख्या बटा कुल संख्या, तो दी गई संख्या क्या होता है, लिखा है 2, 2 लिख लीजिए, प्लस लगा लीजिएगा 5 कर लीजिए, फिर कामा प्लस 6 कर लीजिए, ठीक है 6 कर लिया, फिर बटा 7 कर लीजिए और फिर बटा यस कर लीजिए, अब फिर ये पाई की लीजिए कितना दी कुल, दी कुल संख्या कितनी है 5, तो 5 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। अब देखो तो हमें ये दिया है, अब हम जोड़ेंगे 5, 2, 7, 7, 6, 13 और 13, 7, 20 20 लिख देंगे और प्लस यक्स, ये जो बचा है प्लस यक्स को हम इस तरीके से उतार देंगे और नीचे ये 5 है तो 5 कर लेंगे। अब हमें इनका समांतर माध्य कितना दिया है 5 दिया है, तो ये 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलिए यहां लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये 5, 5 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो देखो लिखोगे 20 प्लस यक्स और 5, 5 का गुणा होगा तो 5 25 इस लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यक्स को इधर ले आओ, 25 उधर का उधर रहेगा, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यक्स की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि इसका 5 आंसर होगा। इस तरीके से अगर हम समांतर माध्य निकालना चाहेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा।